बड़े बुजुर्गों के 80 साल पुराने नियम, ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। नंबर 1, जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत हो, सूखी रोटी खाने से बचें और दाल का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, खासकर हरी मूंग की छिलके वाली दाल का ज्यादा सेवन करें। नंबर 2, रोजाना सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम का छिलका उतार कर खाएं और ऊपर से हल्का गर्म दूध पिएं। इससे आपकी याददाश्त तेज होगी और हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। नंबर 3, जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो ऐसे में पानी बिना छने ही किडनी से बाहर निकलने लगता है। इसके कारण किडनी में इन्फेक्शन या किडनी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 4, पपीता खाना पेट और वजन घटाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सुबह खाली पेट पपीता खाने से पेट से जुड़ी कई समस्याओं से बचा जा सकता है। नंबर 5, नारियल और गुड़ के सेवन से त्वचा संबंधी कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसमें एंटी एजिंग गुण पाया जाता है जो कि त्वचा में झुर्रियों और एक्ने की समस्या से बचने में मदद करता है। नंबर 6, हरी मिर्च स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छी होती है, लेकिन इसका हद से ज्यादा सेवन करने से चेहरे पर झाइयां पड़ जाती हैं और सीने में जलन भी पैदा होती है। नंबर 7, पालक में नींबू डालकर खाने से कब्ज की शिकायत फौरन दूर हो जाती है। नंबर 8, सब्जी को ज्यादा देर तक सही रखना है तो अदरक वाले पानी से सब्जी को धो लो, सब्जियां कई दिन तक खराब नहीं होंगी। नंबर 9, हाथों में पीलापन दिखाई दे तो जिस्म में आयरन की कमी हो सकती है, ऐसे में केले का इस्तेमाल करें। नंबर 10, हफ्ते में एक बार नीम का काढ़ा पीने से पेट की सारी गंदगी साफ हो जाती है और चेहरे पर कुदरती तौर पर निखार आता है। नंबर 11, हींग को थोड़ा गर्म करके कीड़े लगे दांतों के बीच दबाकर रखें, इससे दांत व मसूड़े के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 12, मेथी का दाना खाने से सीने की तकलीफ और बलगम बनने की बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 13, जो लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं उनके लिए पैदल चलना किसी दवाई से कम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब हम पैदल चलते हैं तो शरीर में नया फैट बनना बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे पुराना जमा हुआ फैट कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 14, पूरियां खस्ता बनाने के लिए आटा गूंथते समय उसमें 1 चम्मच सूजी या चावल का आटा मिला दें। नंबर 15, अगर किचन में कोई चिपचिपी चीज गिर जाए तो उसके ऊपर ब्लीच डाल दें और फिर उसे ब्रश से साफ कर लें। नंबर 16, दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज करना है तो बासी मुँह रात के भीगे हुए बादाम खाओ और अपने सिर की सरसों या नारियल तेल से मालिश करें। नंबर 17, ब्लड प्रेशर के मरीज कभी भी डालडा घी ना खाएं बल्कि तेल का प्रयोग करें। नंबर 18, यदि पेट खराब रहता हो तो इसबगोल में दही मिलाकर खाने से आराम मिलता है। नंबर 19, जिन महिलाओं को दूध कम उतरता हो वह मेथी के दाने चबा लिया करें। नंबर 20, रात की बची हुई रोटियों को फेंकने के बजाय सुबह के वक्त खा लिया करो। रात की बची रोटी खाने से बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 21, चने के आटे को पानी में मिलाकर शरीर पर मालिश करने से खुजली से राहत मिलती है। नंबर 22, गर्म पानी में हींग डालकर पीने से आवाज खुल जाती है। नंबर 23, अगर हाथों पर जैतून का तेल लगा लिया जाए तो इससे हाथ नरम व मुलायम हो जाएंगे। नंबर 24, बालों में सूरजमुखी तेल की मालिश किया करो, बाल सारी उम्र रूखे और बेजान नहीं होंगे। नंबर 25, बादाम का तेल चेहरे की स्किन पर लगा लेने से स्किन नरम व मुलायम हो जाती है। नंबर 26, सुबह के खाने के साथ देसी गाय के दूध का बना ताजा दही लें, पेट ठीक रहेगा। नंबर 27, गुलाब के फूल की पत्ती चबा लेने से खून की कमी दूर होती है। नंबर 28, तरबूज गर्मियों के मौसम में मिलने वाला फल है। यह खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही त्वचा के लिए फायदेमंद भी। तरबूज विटामिन ए के साथ साथ विटामिन सी से भरपूर होता है। नंबर 29, अगर आपको अक्सर ही बदलते मौसम में खांसी हो जाती है तो जब आपको लगे कि खांसी शुरू होने लगी है तो ये उपाय करें। 2 से 3 ग्राम हल्दी को 1 चम्मच घी या शहद के साथ दिन में 2 बार चाटने से खांसी रुक जाएगी। इसके साथ ही गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिए। नंबर 30, जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं उन्हें अरंडी के तेल में थोड़ा मेथी दाने का पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में लगाना चाहिए, इससे बाल मजबूत और काले होंगे। नंबर 31, लटकी और झुर्रियों वाली खाल के लिए अनार का इस्तेमाल किया करें। अनार का इस्तेमाल झुर्रियों के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 32, दांतों से खून रिसता हो तो टमाटर का रस पीने से फायदा होता है। नंबर 33, अगर खुश्की से आवाज बैठ जाए तो 7 बादाम, 7 काली मिर्च और मुनासिब चीनी मिलाकर खाएं, आवाज सही हो जाएगी। नंबर 34, अगर आपका पेट बढ़ रहा हो तो
कच्चा फालसा रोजाना खाने से कुछ दिनों में पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। नंबर 35, कोहनियों पर माल्टे का छिलका रगड़ने से मैल साफ हो जाता है। नंबर 36, अगर आपके कान में पानी चला जाता है तो मुंह पर हाथ रखकर जोर से फूंक मारें, कान से पानी बाहर निकल आएगा। नंबर 37, हल्दी भूनकर उसके ऊपर शहद लगाकर चाटने से जुकाम खत्म हो जाता है। नंबर 38, रोजाना आड़ू का सेवन करने से पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। अगर आपको पेट की चर्बी तेजी से कम करनी है तो रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें और रात को नाभि में सरसों का तेल डालकर सोया करें। नंबर 39, यदि सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो यह पित्त की पथरी होने की निशानी है। नंबर 40, जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम हो वो कभी भी लस्सी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लस्सी पीने से एलर्जी और हो सकती है। नंबर 41, अदरक का छोटा सा टुकड़ा रोजाना चबा लेने से गर्मी में पसीना नहीं आएगा। नंबर 42, जो लोग मोटापे का शिकार रहते हैं और उनकी टांगों में खिंचाव रहता है तो ऐसे लोगों को चावल खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 43, बच्चों को खाली पेट दही खिलाने से उनका दिमाग तेज होता है और खून की कमी नहीं होती। नंबर 44, अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो रोटी के साथ प्याज खाएं, पानी में नींबू डालकर पिए, दिन में 2 बार ही खाना खाएं और रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी या 1 गिलास गर्म दूध जरूर पिए। नंबर 45, मसूर की दाल का लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, स्किन टाइट और चेहरा जवान होता है। नंबर 46, रात की बची हुई रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, बासी रोटी को सुबह दूध के साथ खाने से शरीर को कई तरह की बीमारियों से राहत मिलती है। नंबर 47, चेचक के दाग होने पर नीम की हरी पत्तियों को पीस लें तथा रात को सोते समय चेहरे पर लेप कर लें, सुबह उठकर चेहरा पानी से धो लें। ऐसा 2 महीने तक प्रतिदिन करने से चेचक के दाग दूर हो जाते हैं। नंबर 48, यदि शरीर के किसी हिस्से में कांटा चुभ गया हो तो उस स्थान पर हींग का घोल भर दें, कुछ समय में कांटा अपने आप निकल आएगा। नंबर 49, बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नारियल के तेल में आंवला पाउडर मिलाकर बालों की जड़ में मसाज करने से बालों की लंबाई 2 गुनी तेजी से बढ़ती है। नंबर 50, अनार का जूस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करता है। रोजाना अनार का जूस पीने से दिल स्वस्थ रहता है और खून की कमी भी नहीं होती। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।